कर्नाटक के शिवमोगा जो क्षेत्र है वहाँ पे डायनामाइट का ब्लास्ट हो गया है, यानी कि विस्फोटक हो गया है। आप लोग जानते होंगे कि डायनामाइट का जो ब्लास्ट होता है तो कितना खतरनाक होता है और कितने किलोमीटर की दूरी पर भी इसकी वॉल्यूम आवाज़ सुनाई देती है। तो हम ये जानेंगे जो कर्नाटक के अंदर जो डायनामाइट का ब्लास्ट हुआ है, जो विस्फोटक हुआ है, और वो डायनामाइट होता क्या है, डायनामाइट के आविष्कार कौन है, उनके बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यदि वो नहीं होते ना आज तो नोबेल प्राइज नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। दरअसल बात यह है कि दोस्तों डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है और इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन होती है। कर्नाटक के जो शिवमोगा क्षेत्र है वहाँ से दोस्तों एक ट्रक के माध्यम से को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर तुरंत ये विस्फोटक हो जाता है, वहाँ पर 15 लोगों की मौत हो जाती है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ ना तो ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ गए हैं, यानी कि भूकंप आ गया है, इस तरह का दोस्तों देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के द्वारा ट्वीट करके बोला गया है कि इसको जल्दी ही रिकवर किया जाए वो, और वहाँ पे दोस्तों लोगों को एंटर नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसकी स्मेल ही ऐसी है जिसके कारण दोस्तों आदमी की तबीयत खराब होके मर भी सकता है। और इसी वीडियो के अंदर जो डायनामाइट जो शब्द आ रहा है ना, तो हम उसको भी जानते हैं कि आखिरकार डायनामाइट होता क्या है और इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल और उन्हीं की याद में दोस्तों हमारे नोबल प्राइज दिए जाते हैं। इनकी याद में नोबल प्राइज इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब इन्होंने डायनामाइट का निर्माण किया गया है तो उनके समय विस्फोटक हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों वो निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया है उनसे तो लोगों की जान गई। इसके कारण दोस्तों वो उदास होकर अब मन और तन दोनों को ही कोसने लगे। उनके मन में यह आया कि जो मेरी सारी संपत्ति है इस पूरी दुनिया के अंदर मैं बांट दूं, और जिसके कारण दोस्तों उन्हीं की याद में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो आपने इस वीडियो के अंदर जान ही चुके होंगे कि कर्नाटक की राजधानी के बारे में जाना और वहाँ पे जो विस्फोटक हुआ है डायनामाइट के बारे में आप पहली बात ही जान ही चुके होंगे इस वीडियो के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप ये कर सकते हैं, ये वीडियो अच्छी लग रही ना वीडियो को लाइक करके जाओ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों जो मुझे खुशी होती है और जो मेरी आप वीडियो देखते हैं ना वो अलग ही प्रकार की खुशी होती है, ऐसी खुशी अंदर से आने वाली ये खुशी कहलाती है।